तो गाइस हमें मनीषा रानी और आप देख रहे हैं टेलीफिल्म। थैंक यू। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, टॉप 3 आपका नाम था। क्या कुछ कहना चाहोगे जर्नी को लेके? एक अमेजिंग जर्नी आपकी रही है। काफी लोगों ने कहा आप एंटरटेन काफी किए, काफी रिश्ते आपने बनाए, अनोखे रिश्ते बनाए आपके। टेल अस समथिंग अबाउट आपकी जर्नी के बारे में, कुछ बताइए। जर्नी बहुत बहुत अच्छी रही, अनएक्सपेक्टेड था, ऐसे एक्सपेक्टेड ही था कि हम टॉप 3 में आएंगे, बट अंदर जो चीज़ होता था, मुझे हमेशा लगता था यार बिग बॉस में आसान है यार रहना, खाना, उठना, बट वहाँ पे सच में अगर आप 2 मिनट भी सो तो कुकुरकू बच जाता है, या फिर आपको राशन नहीं आता है और इतने लोग आपको इतना कुछ बोलते हो, तो अंदर का जर्नी बहुत डिफिकल्ट था। बट उसके बावजूद आप एक जोन में रहो कि हाँ ठीक है यार, कोई कुछ भी बोल रहा है, थोड़ा हर्ट हो रहा है, रो रहे हैं, बट फिर एक होता ना बैक टू फॉर्म आना, तो अंदर का जर्नी बहुत स्ट्रगल भरा रहा है, एंटरटेनिंग रहा है, बट हाँ नो डाउट आप लाइफ में जितना मेहनत करते हो उतना ही आपको फल मिलता है। बट आपने हर्ट का जैसा जिक्र किया, ये एक टास्क हुआ था, मुझे अभी भी याद है, जो डेविल वर्सेस एक टास्क था, जहाँ अभिषेक और एल्विश अलग अलग थे, आपको जो बेबिका ने धक्का मारा था, आप काफी ज्यादा इमोशनल हुए थे, आपके इमोशनल बाहर आए, तो बेबिका से आपको काफी उम्मीदें थी, आपने कहा था कि शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, शुरुआत में काफी अच्छी दोस्ती थी, उनसे शुरुआत करेंगे। बेबिका को लेके किस तरह की बॉन्डिंग है अब आपकी? क्योंकि उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा कि अगर वो दोस्ती चाहे मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगी दोस्ती। हां, तो मेरा भी सेम ऐसा, क्योंकि घर में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप वैसे कर देते, समझ रहे, बिग बॉस में ऐसा टास्क आ गया, तो मेरे मन में ऐसे बेबिका को लेके कुछ ये नहीं है, नफरत या कुछ भी, ठीक है जो हुआ अंदर हुआ, बाहर अगर वो मुझसे दोस्ती रखेगी तो पक्का हम रखेंगे। गैट को लेके क्या कहना चाहोगे, जो आप बाबू काफी प्यार से, हम सभी ने देखा आपने जितना प्यार उनको दिखाया है, उनकी तरफ से भी काफी प्यार आपको मिला है, जैट के साथ किस तरह? जैट बहुत ही अच्छा इंसान है, एज अ पर्सन बहुत है, बहुत सही बंदा है, बट गेम था, उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो शायद वो मुझे इतनी अच्छे से समझ नहीं पाया, अगर वो समझ जाता तो फिर उसको पता चल जाता कि क्या है हम। तो बाकी अभी हमारा एजैट का अगर हमारा दोस्ती होता है बाहर भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग साथ ऐसे दोस्त बन के रहेंगे। आपकी मैं बात करूँ, जिस तरह हमने काफ़ी लोगों से पूछा टॉप 3 कौन है, अभिषेक और एल्विश का जिक्र तो काफ़ी बार होता है, बट ये जो जिक्र में टॉप 3 तीसरा नाम आपका भी आता है, ये जो प्यार कमाया है, इतनी फैन फॉलोइंग कमाई है आपने, कभी आपको लगा था, जैसा हम मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया था, तब आपने कहा कि मुझे प्यार चाहिए अंदर, मैं प्यार, फैंस का प्यार चाहिए, अब इतनी फैन फॉलोइंग है, आप किस तरह से देखते हो अपनी लाइफ को आगे? बस वही है कि हम जब अंदर गए थे तो एक उम्मीद, मेरा हमेशा से जब अंदर भी हम जा रहे थे, फोकस ऑन मी प्लीज, या हाँ, तो जब हम अंदर जा रहे थे तो मेरा वही फोकस था कि मुझे ट्रॉफी नहीं, लोगों का दिल जीतना है, और अगर हम उसमें कामयाब हुए 50% भी, तो मेरा जीत वही हो गया कि हाँ, और थैंक यू टू जनता, टू एवरीवन जिसने मुझे इतना प्यार दिया, आप लोग के प्यार की वजह से हम टॉप 3 में आए, और मेरे लिए यही जीत। एल्विश को लेके क्या कहना है, जब आपके पिताजी से मेरी बात हुई तब वो भी काफी खुश थे, आपकी आप दोनों की दोस्ती को लेके वो काफी खुश थे, एक स्टेप फॉरवर्ड की वे मैंने बात की थी, आप अगर बताना चाहोगे एल्विश को लेके, अब तो वो इतिहास रचा है एल्विश ने, तो आप अगर कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? एल्विश बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा, जैसे घर में एक दो बार बात उठा था और उसने ऐसे खुल के बोल दिया था कि हम चाहते हैं कि विनर अभिषेक बने, या फिर मुझे कभी मौका मिलेगा तो हम ये ट्रॉफी अभिषेक को दे देंगे, तो कहीं ना कहीं एल्विश में वो बरप्पन है, क्योंकि इतने बड़े शो में आने के बाद कितना भी कोई हो जाए ये बात नहीं बोलेगा कि तू ट्रॉफी ले ले, ये बहुत बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं एल्विश का इससे अच्छा ही दिखता है कि वो कितना अच्छा इंसान है, तो एज अ पर्सन एल्विश बहुत अच्छा इंसान है, दिल का बहुत अच्छा, जुबान कभी लोगों का फिसल जाता है, बट वो बहुत अच्छा इंसान है और वो जीता है, हम बहुत खुश हैं उसके लिए। थैंक यू।